सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड येस, कुछ नया सा सेटअप किया है, कुछ नया करने का ट्राई किया गया है। तो यहाँ पे हमने प्रीवियस वाले वीडियो पे आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि हमने क्या क्या किया था, तो मैं आपसे ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आपने अभी तक प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन मिल रही होगी, ऊपर वाली बटन में आप क्लिक करके आराम से इसे ईजिली देख सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। और आज के इस अमेजिंग वीडियो पे हम करने ये वाले हैं कि हम अपने जावेस के लिए कुछ चलती फिरती एक ठीक ठाक सी कहना चाहिए तो यूआई बनाने वाला है। ठीक है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। और जो लोग मेरे से टेलीग्राम में ऑलरेडी अटैच्ड हैं उन लोगों को तो ये पता ही होगा कि आखिर मैं कैसे इसे बना रहा हूँ और कैसे क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसमें टाइम टू टाइम मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। तो आई होप अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे हो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, लेकिन अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हो तो यार डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक, तो वहाँ पे जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। एंड मेक श्योर कि आप उसे अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लो और जाके एक हाई मैसेज ज़रूर से ड्रॉप कर देना। ठीक है, ऑलराइट। सो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक सारी चीज़ें कवर की थी। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक नया फोल्डर आप बना लीजिए। नए फोल्डर पे आपको बनाना है, जैसे कि लिखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जैसे कि UI, एंटर करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने UI लिख के एंटर किया है। यहाँ पे एक नया फोल्डर फाइल क्रिएट हो रहा है, पता नहीं आज इतनी छोटी सी चीज़ पे इतना टाइम क्यों ले रहा है। चलो ठीक है, एक फोल्डर क्रिएट हो गया। सबसे पहले मैं इस पर लिखूँगा, हमारा जो पहला पेज आएगा सबसे पहले जब हम उसे फाइल को रन कर रहे होंगे वो होगा हमारा एक UI का पेज, जो सामने हम उसमें लॉगिन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ login.py, एंटर करता हूँ। यहाँ पे हम लॉगिन पेज बेसिकली बनाने वाले हैं। तो लॉगिन पेज बनाने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अभी तक हम ये लॉगिन पेज इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियसली टेक्स्ट टू स्पीच वगैरह थोड़ा सा डिज़ाइन कर रखा है। तो अगर आपने वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो यार प्लीज़ मेक श्योर जाके अभी देखिए आप। सो यहाँ पे हमें कोड लिखना स्टार्ट करना है। मैं थोड़ा सा वीडियो करूँगा फास्ट फॉरवर्ड सो दैट मैं कोड जल्दी से लिख दूँ, क्योंकि मैं एक एक अगर लाइन आपको लिख के दिखाऊँगा इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा।
ऑलराइट गाइस, सो हमारा कोड जो है वो हो चुका है कंप्लीट, बट स्टिल देयर इज़ अ वन इशू विच इज़ कॉल्ड, हमें पैकेज का इसमें इशू देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा pip install PyQt5, ठीक है, PyQt5 को आपको इंस्टॉल करना होगा। मैं यहाँ से अब इसको रन करता हूँ, और कोड आपको वीडियो को स्लो मोशन में डाल के लिखना है, ठीक है, और क्योंकि गाइस मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि भाई एक कोड को लिखने में कितनी मेहनत लगती है, और उस कोड को फाइंड आउट करके बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और अगर मैं सिंपली उसे आपको गिटहब पे देता रहूँगा तो मेरी यूट्यूब की दुकान तो बंद हो जाएगी, ठीक है, जस्ट गेटिंग, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ठीक है, वीडियोज़ को पॉज कर करके देख के लिख लेना, हो जाएगा, मैं आपको समझा देता हूँ हालाँकि थोड़ा सा, ठीक है। बेसिकली हमने यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट से PyQt5 को इंपोर्ट किया, क्लास यहाँ पे डिफाइन की, ठीक है, जिसमें से सेल्फ की हेल्प से कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, ओके, इसी तरह सेम यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे हमने विंडो डिफाइन की कि भाई कितने की विंडो होगी, यहाँ पे विजिबिलिटी डाला है 0 ताकि जो उसका बैकग्राउंड है वो हमें विजिबल ना हो, और यहाँ पे मैं लिखूँगा जार्विस, या फिर ये वैसे लिखते हैं जार्विस, सॉरी ISUI, ओके, तो यहाँ पे हमने जार्विस UI यूज़र नेम पासवर्ड। अब इस लाइन पे जब आप इसे लिखना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आपको एक लाइन मिलेगी स्टैटिक के अंदर GIF फाइल। अब यहाँ पे आपको स्टैटिक फोल्डर देखने के लिए नहीं मिलने वाला, तो अभी मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा स्टैटिक, और इस स्टैटिक के अंदर आपको एक GIF फाइल डालनी है, वो आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपको अपने जार्विस का लोगो डालना हो वो आप डाल सकते हो, बट मेरे पास पड़ी हुई है। अगर आपको ये चाहिए हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर बता देना कि आपको अगर यही वाली चाहिए तो, और अगर आपको ये वाली नहीं चाहिए तो आप अपने मन की जो भी चाहो वो लगा सकते हो, ओके, जो आपके दिल में आए वो वाला लगा सकते हो, जस्ट आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, ओके, पेस्ट करना है, यहाँ पे देखो लोगो डॉट GIF आ चुका है, ठीक है, ये लोगो डॉट GIF आ चुका है, इसको हम फ्यूचर में भी यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे लोगो डॉट GIF आ चुका है फाइनली, और ये नीचे तक जा चुका है, ओके, एक बार मैं कोड दिखा देता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा हुआ तो एक बार स्क्रीन शॉट लिख सकते हो, एक यहाँ से स्क्रीन शॉट, ये रहा आपका सेकेंड, ये रहा ग्लो इफेक्ट, ये रहा क्रिएट इनपुट फाइल, स्टार्ट एनिमेशन, टॉगल लॉगिन, ऑन लॉगिन, जार्विस इंटरफेस एंड ऑल, ठीक है, तो थोड़ा सा इसे स्लो मोड में डालना और देख लेना। अभी मैं इसको रन करने वाला फिलहाल के लिए, तो जैसे मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे एक मेरे को लोगो देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एक लोगो देखने के लिए मिल रहा है मुझे। अभी मैं इसे जैसे ही क्लिक करूँगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रहा, ठीक है, अभी एकदम हाइट सा रहेगा साइड पे, आप इसे कहीं पर भी प्लेस कर सकते हो ऐसे, और आप अपना कोई भी जो भी आप यूज़ करना चाहो उसे यूज़ कर सकते हो कहीं पर भी। जब भी आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपका ये आएगा और जाएगा, ठीक है, ये एक बटन की तरह काम करेगा, और यहाँ पे आपका आ चुका है जार्विस UI। अब यहाँ पे आपको ID पासवर्ड डालना है, फिलहाल के लिए ID आपका है ANUBHAB, और पासवर्ड आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, मैंने जार्विस रखा है, मैं जार्विस लिखूँगा, और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूँगा, जार्विस एक्टिवेटेड लिख के आ गया, ठीक है। सो बेसिकली हमने अभी ये छोटी सी UI बनाई है, ज़्यादा एडवांस नहीं है, बट आई होप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। सो आज के लिए इतना ही रखेंगे, बिकॉज ऑफ आपको कोड भी लिखना है, और गाइस थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी बनाइएगा, क्योंकि हम फ्यूचर में इसे और भी ज़्यादा एडवांस बनाते जा रहे हैं, और ये नेक्स्ट लेवल का होगा। अभी तक मुझे यकीन है ऐसी UI किसी ने नहीं दी है इंटरनेट में, मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, ठीक है, इफ़ आई वॉन्ट आई कैन सेल यू एज वेल, ठीक है, कि मैं आपको बोल सकता हूँ 99 दे दो, 500 दे दो, 600 दे दो, और मैं आपको ये जार्विस दे दूँगा, बट आई डोंट वॉन्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट द रीज़न इज़ कि यार जो चीज़ें मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें, हाँ मेरी मेहनत है, मेरा टाइम है, तो इट्स ओके यार, मेहनत सब करते हैं, टाइम भी सबका होता है, ठीक है। तो
मैं चाहता हूँ जो चीज़ मुझे फ्री में मिल रही है मुझे आपको फ्री पे ही दूँ। ओके सो ऑल राइट, सो आपको कोड मिल चुका है, अब आप इसका यूज़ करिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसे और एडवांस बनाएंगे। और अभी हम करेंगे क्या कि जो यहाँ पे आपने यूआई देखी ना उसके अंदर टेक्स्ट जो हमने लिशन कराया था उसको उसके अंदर अपडेट कराने वाले हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी सजेशन हो, किसी भी तरीके का डाउट हो, कुछ भी हो, आपको सीधा कमेंट बॉक्स है वो आपका है, आपको उसमें सारी सजेशंस लिखना है और वो सारे सजेशन जो आपको कमेंट के फॉर्म में दिखते हैं वो सारी चीज़ें मुझे अगली वीडियो को बनाने में हेल्प करते हैं। लास्ट वीडियो पे कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कमेंट किया था, उन पूरे कमेंट्स को मैंने प्रॉपर तरीके से पढ़ा था और विद इन अ 5 to 6 मिनट मैंने उनका रिप्लाई दे दिया था। दिस इज़ योर टाइम, आपको एक अच्छा सा सजेशन देना जो भी आपको लगता है कि आपको ये चीज़ें इंप्रूव करनी है अपने चार्वस के अंदर। वेल मेट सून, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस सीरीज को फॉलो करते रहना, आपका जार्विस एग्जैक्टली रियल लाइफ आयरन मैन की तरह होने वाला है।